लेफ्ट सर बैठ गए सर लुक यार सर आप लेफ्ट सर लेफ्ट वो भी नल्ला था क्या? नहीं वो नल्ला नहीं था, वो ऐसे रख दिया। की बड़ी बहन आई तो मेरे इवेंट पर नजर आई थी ना वहीं पर मारू अरे नंबर का अपना कर अरे मान ले फटाफट चले आएंगे तो साला सर मेरे इवेंट में डमी नहीं कौन है पत्थर अरे बोलो डमी हटाने के लिए प्यार बोला सबका डमी हटेगा मेरा लगेगा तब मारा तो लग रहा है इस तरह का है इन ग्रीस एंड वाराणसी तो उसका एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइन है और मैं कहूँगा कि इंडिया में पहली बार एक हॉरर फिल्म में ऐसा VFX यूज़ किया जाएगा सो अभी वील हैव टू वेट फॉर दैट फॉर अबाउट 3 months एंड देन द ऑडियंस विल गेट टू सी फैंटास्टिक यार कुणाल एंड मी हिट इट ऑफ फ्रॉम डे वन हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए एंड बहुत मजाक होता था सेट पे एंड बेसिकली हर टाइम ये था कि दो अच्छे दोस्त बन गए थे डायरेक्टर के साथ भी तो तीनों अच्छे दोस्त थे जो सेट पे काफ़ी मस्ती करते थे नो दिस इज अ एक्शन प्लस हॉरर फिल्म सो यू आर डूइंग एक्शन आल्सो आई एम डूइंग द एक्शन एंड आई एम अब हॉरर का मैं बता नहीं सकता लाइक हॉरर इज रियली एक्साइटिंग यस या लाइक एक्साइटिंग हॉरर Yeah, yeah. Supernatural thrillers, horrors, thrillers, romantic films, या फिर sports से related film है. ये मुझे excite करता है. Thank you so much. Thank you. Stand up for the. Thanks for coming. One favorite song. Oh, yeah. Thanks.
अभी ऑलमोस्ट सॉन्ग्स पैपी नंबर है,
वही जो आज के टाइम में जोन चल रहा हुआ है उसी जोन में हमने जाके इस गाने को बनाया है। और लोकेशंस वगैरह सब हमने गाना डिसाइड पहले ऑडियो डिसाइड करके हमने लोकेशंस वगैरह फाइनल की थी इसकी। और ग्रीस में हमने इसलिए सोचा था कि वो डिफरेंट है, हमने अभी ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर और थाईलैंड दुबई हम कर चुके हैं तो इसलिए हमने वहाँ पे किया। हाँ हाँ जी सर बिल्कुल। वो इसके अंदर जो पुराने गाने सुनते हैं अफकोर्स ये उनके जोन का गाना नहीं है और ये यूथ के लिए और जो आज के जोनर चला हुआ है जो पब्लिक इस टाइप के गाने एंजॉय करती है उन्हीं के लिए, तो इसमें बड़े लोग ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो बहुत पुराने गाने सुनते हैं उनका कोई अलग टेस्ट है तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। मैं सर जितने भी अच्छे गाने होते हैं वो सारे सुनता हूँ, चाहे वो कोई न्यू कमर सिंगर हो चाहे वो बहुत पुराने सिंगर हो, तो मैं सबको सुनता हूँ। नहीं सर बेहद करीब तो मेरे अपने ही होते हैं और जिन पे खुद मेहनत ज़्यादा हम करते हैं वही चीज़ें करीब होती हैं। दूसरों के गाने देखते कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया है, क्या उन्होंने अच्छा किया है, तो वो चीज़ें बस सुनते हैं और उनमें से अच्छी चीज़ें देख के निकालते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। तो बेहद करीब तो मेरे खुद के गाने इसे हमने प्रॉपर रीमेक नहीं किया है, उसमें आप अगर सुनेंगे कभी उसको तो वो है जब तू काड़ा मैं तो गोरी गणी, लेकिन हमने इसको पूरा ही चेंज कर दिया। सिर्फ हमने वो हुक और वो कॉन्सेप्ट सोचा है तो हमने वो कॉन्सेप्ट हमने इसका रीमेक किया है, गाना हमने रीमेक नहीं किया। मेरे सर अभी एक मूवी आ रही है फ्राइडे गोविंदा सर और वरुण की, वरुण यू नो एज यू नो चूचा, तो मेरा एक गाना था जिम्मी चू तो वो अभी उस मूवी में आ रहा है। और अभी मेरे सोलो इसमें गाने में आप लास्ट में देखेंगे तो प्रोमो आता है मेरे नेक्स्ट सॉन्ग का, तो वो भी अभी हम लॉन्च कर रहे हैं विद इन 20 डेज, तो अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में। नहीं सर कॉम्पिटिशन नहीं है, मज़ा आता है करने में क्योंकि सबका अलग काम करने का तरीका है और आज के टाइम में जब से डिजिटल आया है तो मेरे को ये लगता है कि अब कंपटीशन कहीं भी नहीं है, बिकॉज अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो पब्लिक प्यार देगी और वो भी पता लग जाता है डिजिटल के थ्रू यूट्यूब के थ्रू कि हमें कितना प्यार मिल रहा है। पहले तो ये था कि हम गाने टीवी पे ही चल पाते थे या एफएम्स पे, तो हमें उनके रिव्यू नहीं पता लगते थे कि हमने इसमें गलत किया है क्या अच्छा, तो अभी डिजिटल के थ्रू में सब कुछ पता लगता है कि हम किस गाने में क्या हमने गलत किया है क्या अच्छा किया, तो कॉम्पिटिशन तो भी कहीं नहीं थी। नहीं सर ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैंने ये गाया होता तो ये ज़्यादा बड़ा होता या मैं बड़ा हो जाता, ऐसा कोई भी गाना नहीं। ना 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 बावड़ी तू बात गलती ये कर गई, सांवड़े रंग पे तो गोकुल में गोपियाँ मर गई, रंग तेरा है गोरा बस ये दूर से ही दिखता है, यार तेरा है टैलेंटेड हर बोल मेरा दिखता है। एक्चुअली फिरोज केम विद दिस सॉन्ग एंड आई लव दिस सॉन्ग एंड आई वॉज ऑलवेज फैन ऑफ फैज़ल कुरिया अ लॉन्ग बैक, आई सेड व्हाई नॉट, इट्स लाइक प्रिविलेज टू वर्क विद हिम एंड देन वी डिसाइड टू मेक दिस सॉन्ग वेरी बिग एंड वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज विद द डांसर्स एंड प्रॉपर्टीज एंड द बेस्ट लोकेशन वी शूट इट। Till now, whoever seen this song, they all are appreciating the location, the song quality, and I think it's going to rock. So thanks that you gave us the opportunity to be a part of your venture. Thanks to Big Patrons and my brother, because हमेशा मेरा ये रहा कि वीडियो में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हमने जो भी भाई को बोला जो भी टीम को बोला रिक्वायरमेंट्स के लिए वो एट अ टाइम और हर टाइम पे वो चीज़ें पूरी हुई। सो वीडियो ग्रैंड है बिकॉज ऑफ द बिग पैट्रंस एंड because first of all Firoz is going to direct this one so I have full trust on him.
And secondly, as I told you, Faisal Puria is the name. So I thought this is the right time, this is the right proposal for me, and we went over there. And my uncle's like that, Ravindraji Daria. So he loved this and said, let's make it in a very big way. And the result is with you, Kaka. तो जहाँ इन्होंने मेरे को भेज दिया ग्रीस उनकी ब्यूटीफुल प्लेस है और उसके साथ में एक आग मेरे साथ में आ गया था तो आग और पानी दोनों मिलकर जो आग लगा तो मतलब समझ और गाना इतना कैची है तो मैंने जब गाना इन्होंने भेजा तो मैंने सरोज भाई से शेयर किया कि ये गाना सुनो मुझे पसंद है तो हमने दो गाने शूट करके आए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वेदर बहुत अच्छा रहा जग ये नहीं पता था कि प्रोड्यूसर से बात भी हो रही है या किसी चीज़ से रिलेटेड है कुछ ऐसा अब इनको तो हमने बुलाया था एक्चुअली फैजल भाई को तो प्रोड्यूसर से पूरा टच मिला था प्रोड्यूसर बहुत कूल है उनको मुझ पर इन्होंने बोला उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बोला कि आपको क्या क्या चाहिए तो मैंने जो जो लोकेशन पर हाथ रखी उन्होंने मुझे वो लोकेशन और वो चीज़ प्रोवाइड की तो वो इतने काफ़ी अच्छा से song in the head, I mean like, you know, we are planning to do a more videos, like, you know, and most probably we are coming up with 2-3 pictures, so Bhai will be the part of that, hopefully. He is very serious for the work, first of all. And he deserves to be like on the top of the Bollywood right now, and I think he's on the right track. And for us to working with him because we carry the same kind of age group, so I think the mutual understanding is really good between us. Faisal Puria के बारे में मैं क्या कहूँ? इनके जो स्टार्ट से जो songs इनके आ रहे हैं, Jimmy Choo आ गया इनका, फिर अभी नया ये क्या नाम है इसका? Fun लड़की उसमें बहुत अच्छी रैपिंग हुई और जो सबसे बड़ा हिट हुआ लड़की ब्यूटीफुल करके चुन ओरिजिनल बादशाह और भाई थे ओरिजिनल गाना इनका था इनके बारे में जितना बोले उतना कम है यंग है टैलेंटेड है पैशनेट है बोलते बस इससे अच्छा क्या बोले कितनी तारीफ करूँ मैं इनके बारे में वैसा मेरे फ्रेंडली का बातें जो भाई कह रहे हैं सच है लेकिन ये सब पता सुन के बोलना नहीं चाहिए भाई को मेरे बारे में ऐसा क्योंकि कभी भी जो साथ पे काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ें मत बताओ कि आप अच्छा कर रहे हो उनका भी उनका बुरा कर रहे हो तो हम अच्छा करेंगे वो अकेले और वो भाई सर सेट पे करते हैं सेट पे आपकी मतलब इनको अगर शॉट लेने क्योंकि कोरियोग्राफी उन्होंने किया जो शॉट लेना है जितना अच्छा कर लो नहीं भाई मज़ा नहीं है दोबारा करो वो चीज़ें इनकी बहुत अच्छी की आदत है मेरी अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो प्रॉपर लेना ज़रूरी है बस सर थैंक यू आप लोगों का प्यार चाहिए आप लोगों के ऑडियंस चाहिए हमारे जो फैंस हैं वो पूरी सपोर्ट कर ही रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग कीप कमिंग Today is the success party for Be My Love and the rapper party for Mushkil. So I think it's a बहुत अच्छा दिन है because जो एक हमने music video start किया था उसका एक successful journey ख़त्म हुआ है और आज Mushkil का भी wrap up हुआ है so it's I'm really excited because I'm really looking forward for Mushkil to release very soon and I hope everybody will like it. How was the experience of working with Rashmi Dugal and Ronald Raghuram? Probably the funniest people I've ever heard. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रजनीश दुग्गल एंड कुणाल रॉय कपूर के साथ बहुत ही आई हैड लाइक ग्रेट टाइम दे बोथ वर लाइक वेरी हेल्पफुल दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट हिंदी फिल्म सो आई हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज हम लोगों ने जिस क्लाइमेट में शूट किया था तो बहुत ठंड थी सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट बट बिकॉज ऑफ द ऑफकोर्स द डायरेक्टर द टीम एंड द माई को एक्टर्स वर लाइक रियली हेल्पफुल सो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके एंड आई एम श्योर कि हमने जो भी मेहनत की वो रंग लाई गई और हम फिर से काम करेंगे आगे आई लाइक सलमान खान ऑफकोर्स एंड रणवीर सिंह आई डोंट वॉन्ट टू चूज Thank you so much. Wish you all Thank the best. Thank you.
बोलते हैं ना रंग लाई या रंग लाने वाली। इस गाने पे सर पिछले एक साल से हम काम कर रहे थे, ऑडियो पे हमने बहुत काम किया है बिकॉज मेरे सारे गाने हरियाणवी लैंग्वेज में, हरियाणवी टोन में, जो कि आपने अगर चुल सुना है, टू मैनी गर्ल्स, कोई भी गाना हो, तो इस पे हमें ऐसा काम करना था कि हरियाणवी टच हो और पूरे इंडिया में समझ में भी आए, वो हिंदी चीज़ भी प्रॉपर आए, तो इस पे काफ़ी काम किया। फिर हमने इसका शूट का ग्रीस में रखा, हम ग्रीस में इसका शूट करके आए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से, मेरे फैन से, तो अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मेहनत। पार्टी सॉन्ग किस तरह का सॉन्ग है? हाँ, थोड़ा डिटेल में बताइए। ये पार्टी सॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन पार्टी सॉन्ग नहीं, ये एक एक लड़की को बता रहे हैं कि भाई तू अपने गोरे होने पे ज़्यादा है ना घमंड ना कर, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है लड़की को कि अगर तू गोरी है ना, अगर मैं टैन हूँ तो इसे कुछ नहीं होगा, बात वहीं की वहीं है, तो उस बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया है इसमें। सर जैसे इन्होंने कहा है कि बहुत मेहनत, एक साल से ये मेहनत कर रहे हैं सॉन्ग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? जैसे ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो जो मेहनत की क्या रंग लाई है, जितना जैसे निकल के आया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी इन्होंने और काफ़ी मेहनत से काम किया। आई एम श्योर अच्छा रहेगा आगे जा करके, यू विल ग्रो अप वेरी सून। Once we listened this song, we loved it, and we thought like we should join this one, and we want to be the part of that. And thanks to Froze, he shoot it very well. So its product comes like amazing. Because कोई भी आज तक कोई भी ऐसी चीज़ रही नहीं कि without teamwork वो proper एक अच्छे platform का ही। अगर हमने उसमें audio में काम किया है तो फिरोज जो डायरेक्टर है उन्होंने डायरेक्शन में अच्छा काम किया है, हमारे प्रोड्यूसर सर रविंदर इन्होंने अपनी जो प्रॉपर इनकी ग्रीस की टीम थी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो बहुत बड़ी टीम थी और बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इसके ऊपर और वैसा रिस्पांस हमें मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस है, यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, तो सबका अच्छा रिस्पॉन्स है। रे ना 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 बावड़ी तू बात गलत ये कर गई, सांवले रंग पे तो गोकुल में गोपिया मर गई, रंग तेरा है गोरा बस ये दूर से ही दिखता है, यार तेरा है टैलेंटेड हर बोल मेरा बिकता है। All the feelings. Obviously, this is my single debut, Be My Love, yeah. And I was very excited about it because I'm very thankful to Darya ji ki unhone produce kiya aur we shot it in Athens in Greece. So, bahut maza aaya aur uske baad mein itna acha response mil raha tha. I'm really very happy and looking forward for to collaborate with Big Bad Films many more albums. How's the collaboration with T series like? How is happening and ऑल द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू दारिया जी, उन्होंने ही वीडियो पूरा बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उसके बाद में ही ओनली टुक इट टू टी सीरीज और टी सीरीज़ को ऑब्वियसली इतना अच्छा हमने शूट किया है, गाना भी बहुत अच्छा है, आई एम श्योर आप लोग सुनेंगे आप लोग को भी पसंद आएगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा टी सीरीज़ को, एंड दे एक्चुअली रेडी एकदम तैयार हो गए कि लाइक डेफिनेटली वी विल प्रेजेंट इट। I am doing two films as a playback singer, so I've already sung for them, and I guess it will be out in end month of like December. And now I'm doing one more single with Darya ji, so I'm looking forward to all of them. Wish you all the best for the thank song. You, thank you so much, and do watch it, yeah. And be my love ko bahut sara pyar dijiye, bas yahi kehna chahungi. Thank you. Thank you.